नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। माँ के भक्तों के लिए माँ की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन रात्रियों में ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जाओं से भर जाता है। इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए नवरात्र में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र जप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती हैं। लेकिन क्या आपको इस विषय में पता है कि नवरात्रि आखिर 9 दिनों तक ही क्यों मनाई जाती है? कलश स्थापना का क्या महत्व है और आखिर जौ बोने के पीछे क्या है रहस्य? अगर नहीं तो चलिए शारदीय नवरात्र के इस पर्व पर आपको इसका महत्व बताते हैं। नवरात्रि सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माता दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है, जो उनकी शक्ति और ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। ये 9 दिनों का पर्व पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में अत्यधिक भक्ति, आध्यात्मिक उत्साह और सांस्कृतिक महत्व के साथ मनाया जाता है। संस्कृत में नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, जहां नव का अर्थ 9 है और रात्रि का अर्थ रातें हैं। पूजा के 9 दिन देवी दुर्गा की 9 अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्त्री शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन 9 अवतारों या रूपों को नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक स्वरूप जीवन के एक अलग पहलू और देवी के एक अलग ऊर्जा रूप का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का विधान है और अलग तरीके से माता का आवाहन किया जाता है। यूं कहा जाए कि ये 9 रातें बेहद खास होती हैं और कुछ विशेष स्वरूप को खुद में समेटे हुए होती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में एक बार भोजन के नियम और पूरे 8 अथवा 9 दिन के उपवास के बाद 8वें या 9वें दिन पारण करने का विधान है। रुद्रयामल में तो 7 दिन उपवास के बाद 8वें दिन हवन कर पारण का निर्देश है। कालचक्र के विभागानुसार एक दिन रात में 4 संधि काल होते हैं। उसी प्रकार देवताओं के एक वर्षीय दिन रात में भी 4 ही संधि काल होते हैं, जो अयन परिवर्तन यानी कि उत्तरायण, दक्षिणायन और गोल परिवर्तन यानी चैत्र आश्विन के संधि काल होते हैं। वहीं स्थूल मान से संवत्सर में 360 दिन रात होते हैं। इनको यदि 9-9 के खंडों में विभक्त किया जाए तो पूरे वर्ष में 40 नवरात्र होते हैं। 9-9 के खंड बनाने का अभिप्राय है कि अखंड संख्याओं में 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए प्रकृति और शक्ति का इस संख्या से खास संबंध है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धधात्री की आराधना की जाती है। वहीं नवरात्रों में कलश स्थापना का अपना अलग महत्व है। कहा जाता है हिंदू धर्म में कलश को मातृ शक्ति त्रिदेव त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसमें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि की पूजा से पहले कलश स्थापना करने का विधान है। ऐसा करने से सभी देवी देवता उस पूजा और व्रत के साक्षी बन जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा नवरात्रि में जौ बोने का भी खास महत्व है। जौ के अंकुरों का नाम जवारा है। पैसो रूपम यदवा, इस श्रुति के अनुसार जौ पय का रूप है। पय दुग्ध को कहते हैं और जल को भी, अर्थात जो पीने से वृद्धि अथवा पुष्टि करे। हम देखते हैं कि जल पीने से औषधि वनस्पतियों की और दूध पीने से प्राणियों की वृद्धि होती है। दुधारू पशुओं को जौ खिलाने से उनका दूध बढ़ता है। भोज्य पदार्थों खासकर हवशियानों में यव को प्रधानता दी गई है। कहा भी गया है यवोसी धन्य राजोसी, अर्थात तू यव है, तू धान्यों का राजा है, जो वर्धनशील अनाज है। इस कारण महालक्ष्मी रूप शक्ति की पूजा में जवारे बोना शुभ माना जाता है। देखा जाए तो नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती हैं,
कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र, जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है, इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन के बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को आप जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।